हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं संदीप राजे ब्लॉग्स। तो आज है 1 दिसंबर और 1 दिसंबर को होता है वर्ल्ड एड्स डे। और वर्ल्ड एड्स डे के दिन हम बात करेंगे आज एक गंभीर मुद्दा, एक गंभीर विषय जिसके ऊपर कोई भी बात करना नहीं चाहता है। वो क्या है? एड्स, एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में सब लोग घबराते हैं बात करने से। इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स एचआईवी वायरस से होती है और ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में लोगों को पता भी नहीं चलता है। सबसे पहले ये देखते हैं ये फैलती कैसे है। ये फैलती है एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन को थ्रू द बॉडी फ्लूड। जो लोग मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स रखते हैं उनको ये सबसे ज़्यादा फैलने की आशंका रहती है। अगर इन्फेक्टेड नीडल है या सिरिंज है डॉक्टर ने और वो आपको अगर लगा दी तो उससे भी आपको जो है ये हो जाएगा, ये इसका एचआईवी जो ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर माँ को अगर यदि एचआईवी पॉजिटिव है, एड्स है, तो बच्चे को भी एचआईवी पॉजिटिव हो जाएगा, एड्स हो जाएगा थ्रू द प्लेसेंटा। अगर कंटामिनेटेड ब्लड यानी कि एचआईवी पॉजिटिव ब्लड है और वो जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बिना जांच किए चढ़ा दिया है तो भी फैल सकता है। ये जानने से पहले ये बहुत ज़रूरी जानना है किस चीज़ों से नहीं फैलती है एड्स। देखिए, एचआईवी का जो ट्रांसफ्यूजन है वो टच करने से यानी हाथ मिलाने से कोविड की तरह नहीं होता है, दूसरा किस करने से भी नहीं होता है, और तीसरा जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है किसी से मिलने या फिजिकल कॉन्टैक्ट पर नहीं होता है। एड्स का जो एचआईवी वायरस है उसका ट्रांसफ्यूजन सबसे ज़्यादा तभी होता है जब बॉडी फ्लूड कॉन्टैक्ट में आता है, एक बॉडी फ्लूड का दूसरे बॉडी फ्लूड के साथ। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका आज तक इलाज संभव नहीं है, जस्ट बिकॉज पीपल आर अनअवेयर ऑफ दैट डिसीज। इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है ऑलमोस्ट 5 to 10 years का होता है, लगभग 10 साल तक तो पता ही नहीं चलता है कि हो गया है। सो इसकी अवेयरनेस की कमी है। एचआईवी क्या है? एक आरएनए वायरस है जो कि अपने बॉडी के अंदर जाकर ह्यूमन सेल के अंदर जो हेल्पर टी सेल होती है उन पर अटैक करता है और वहाँ पर जाकर जो है ह्यूमन डीएनए को अफेक्ट करता है और फिर जो है वहाँ पर बहुत सारे डीएनए प्रोड्यूस हो जाते हैं जो कि स्पीडली बॉडी के अंदर फैल जाते हैं। अब इससे होता क्या है कि आपके जो हेल्पर टी सेल होती है उनके जो नॉर्मल काउंट होता है 1200 per mm³ होता है, बट 800 से कम आ रहा है तो समझ लीजिए कि ये कुछ हो चुका है। और अगर आपकी बॉडी के अंदर वेट लॉस एंड ऑलवेज बीमारी टाइप का रहता है तो आपको थोड़ा सा चेकअप जरूरी है, बिकॉज इसके क्या क्लियरली सिम्टम्स पता नहीं चलेंगे शुरू शुरू में, बाद में जाकर पता चलता है। और इसके 2 टेस्ट होते हैं, पहला होता है बेस्ट एंड ब्लॉटिंग टेस्ट, इससे पता चल जाता है कि है या नहीं, लेकिन बाद में कन्फर्मेटरी या डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है एलिसा टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये जरूरी कराना है। लास्ट 25 years के अंदर मोर देन 25 million पीपल हैव बीन डाइड जस्ट बिकॉज ऑफ एचआईवी। इसका प्रिवेंशन ही सबसे बड़ा इलाज है, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, एंड सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दोनों ही जो है इसको रोकथाम के लिए प्रयास कर रही हैं और एवरी ईयर 1 दिसंबर को जो है आपका एड्स दिवस मनाया जाता है। इस साल का जो थीम है दैट इज द कट द रिबन, और रेड रिबन जो है वो होता है वो दर्शाया जाता है। इससे बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इन्फेक्टेड ब्लड को कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए, दूसरा इन्फेक्टेड सीरेंज या नीडल का यूज़ नहीं करना चाहिए, तीसरा मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर से बचना चाहिए। जब भी आप जो है अननेचुरल सेक्स या फिर मल्टीपल लोगों के साथ सेक्स करने जा रहे हैं तो ऑलवेज यूज प्रोटेक्शन। लोगों को यदि हो भी गया है तो उनसे जो है सही तरीके से बर्ताव करना चाहिए, लोग उनको गलत तरीके से बर्ताव करते हैं, एक अलग ही तरीके का व्यवहार रखते हैं, उनको समाज से निष्कासित कर दिया जाता है, एक हीन भावना से देखा जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग जो है उसे ऐसा देखते हैं कि इसको तो एड्स हो चुका है इसका मतलब इसका मरना तय है, ऐसा नहीं है, उसके साथ भी अच्छा व्यवहार होना चाहिए, एक डिसीज़ है उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पहली बार एड्स दिवस कब मनाया गया? 1 दिसंबर 1988 को, और आज लगभग 34 साल हो चुके हैं और तभी से अभी तक जो है हर साल 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। तो आज 1 दिसंबर के दिन ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना।